मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से सारी दालत गवा है। दोस्तों शाम होने वाली है, मौसम काफी अच्छा हुआ हुआ है। सब लोग जो है ना, जो इस तरह की आंखें रखते हैं ना, उनको मार दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं दोस्तों, खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। आज 11:30 बज गए हैं। मैं एक दफ़ा एक काम था, वहाँ से होके वापस घर आ गया हूँ और अभी दोबारा ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो चलते हैं ऑफिस और आपसे फिर वहाँ जा के गुफ्तगू करते हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था जो कि दुबई में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से सड़कों पे तकरीबन 10-10, 8-8 फुट 5-5 फुट जो पानी है वो खड़ा हो गया। अच्छा, वो वीडियो में एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे कि जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है तो इस तरह की जो आफातें होती है वो लाजमी तौर पर अल्लाह ताला भेजता है। तो ये कड़ी ये भी है कि जब फरवरी में वहां पे मंदिर बनाया गया, चूंकि दुबई आपको पता है कि एक कारोबारी हब भी है और वहां पर जो पूरी दुनिया के लोग विजिट करने के लिए आते हैं और वहां रहते भी हैं, कारोबार भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, तो वहां पे मंदिर का बनाना, नरेंद्र मोदी का वहां पे आना और यूएई के जो सरबराह हैं उनका वहां पे उनका वेलकम करना और उस तकरीब में जाके शामिल होना, यानी कि ये अल्लाह ताला के अजाब की एक कड़ी है। तो वहां पे अरब मुल्कों में जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जहाँ पे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औकात में अपने अम्बियाए किराम को, नबियों को वहां पे लोगों को रास्ते पे लाने के लिए भेजा, तो वहां पे अगर हम इस तरह के काम करेंगे मौजूदा हालात के तनाजर में तो अल्लाह ताला का अज़ाब तो नाजल हो गई। और ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को और अपने मजहब के लिए क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे बुतों को तोड़ा गया, जहाँ पे इन चीजों की सख्ती से जो है ना मना किया गया, वहां पे बुत बनाए जा रहे हैं। तो बड़ा दिल दुखा, बड़ा मतलब इस चीज पे बुरा हुआ कि यार हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, चंद पैसों की खातर, चंद टकों की खातर हम लोग ये सब कर रहे हैं। और इसके पीछे अब आप सऊदी अरब में भी देखेंगे इस तरह के जो मामलात हैं वो होने शुरू हो गए हैं और वहां पे भी होंगे। तो ये बदकिस्मती है हमारी, सारी दालत गवा है। तो ना तो सब बकायदा तो चेक करना मामला की, ओ मेरा किताबा है उधर बेचना। ने सिकंदर आजम का नाम सुना होगा, सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट, दुनिया उसको आज भी याद करती है जिसने कम उम्री में, कहते हैं कि कुछ कहते हैं 33 साल की उम्र में और कुछ कहते हैं कि 32 साल 8 माह की उम्र में उन्होंने आधी दुनिया पे हुकूमत की। इस पे आधी दुनिया पे हुकूमत की। एक दफा वो मुल्तान से गुजर रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि जेलम से गुजर रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि मुल्तान से गुजर रहा था, तो वहां से गुजरते हुए उसे तीर लग गया। जब तीर लगा तो अपने वजीरों को, मशीरों को बुलाया कि पता करो तीर किसने मारा है। तो पता करने पर उनके पता चला कि तीर मारने वाले की जो आंखें है ना, उनकी जो आंखें है उनका एक मखसूस जो है ना वो रंग है, चमकीली आंखें हैं, यानी कि तेज दहार वाली आंखें हैं। उनके जो मशीर थे, उनके जो उनके विजडम वाले लोग, जहरी बात एक बादशाह के साथ होते हैं, होते थे उस वक्त में, अब तो नहीं है खैर, अब तो सारे बेवकूफ मशीर वजीर रखे हुए हैं इन्होंने सियासतदान। उन्होंने कहा सब लोग जो है ना, जो इस तरह की आंखें रखते हैं ना, उनको मार दिया जाए। उन्होंने जो भी कर सकते थे, जितनी भी उन्होंने बंदे मारने थे, उन्होंने मारने शुरू कर दिए। वजीर आए, बशीर आए, बताया जी मारा है जी, इतने बंदे मार दिए। उन्होंने कहा कि आप बिल्लियों को भी मार दो, कबूतरों को भी मार दो, जो भी इस तरह की आंखें रखते हैं उनको सबको मार दो। कत्लोगारत होती रही। बाद में जब वो, आपको पता है कि वो लबनान का रहने वाला था, लबनान के साथ कोई एक बस्ती थी, बस्ती का नाम नहीं याद, वहां का वो रहने वाला था,
जब उसके आखिरी दिन चल रहे थे ना, तो वो ईरान से सफर कर रहा था लुबनान की तरफ, तो बीमार हो गया। बीमार कैसे हुआ कि उसके जो मलेरिया था ना, मच्छर काट गया। मच्छर काटने की वजह से आजकल हमें बच्चों को भी, सबको मच्छर, आप लोगों को भी काट जाता है, तो दवाई शवाई लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, ना ही कोई इतनी बड़ी बीमारी होती है। मच्छर इस तरह का काटा के जमीन पे बैठ गया और एड़ियां रगड़नी शुरू कर दी, और अल्लाह ताला से मदद मांगी, दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी सारी सल्तनत ले ले। सल्तनत कौन सी थी? आधी दुनिया पर रूल कर रहा था वो, आधी दुनिया की जो हुकूमत थी, आधी दुनिया का जो बादशाह था सिकंदर आजम था। एड़ियां रगड़ते हुए दुआ करता है कि कोई बंदा मेरी पूरी सल्तनत ले ले, लेकिन मुझे 2 हफ्तों का टाइम दे दे, मैं अपने शहर में मरना चाहता हूँ, जहां से मैं पैदा हुआ था मैं वहां दफन होना चाहता हूँ। डिस्टेंस दूर था, फासला ज्यादा था, 2 हफ्तों में पहुंचना था उसने, लेकिन अल्लाह की जात ने मोहलत नहीं दी। कहते हैं ना कि जमीन के ऊपर है हम, कभी हम जमीन के नीचे हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, मनो मिट्टी के नीचे चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये अक्कड़ है, ये दुश्मनी, ये फसाद, ये रंजिशें, ये हसद, ये सब बनावटी चीजें हैं, सिर्फ अपने जेन को, दिल को समझाने वाली बातें हैं। तो ये खत्म करें, अपने रिश्तों के साथ मुखलस होकर चलें। अल्लाह पाक आपका अमीन नासर हो। दोस्तों, शाम होने वाली है, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है और सूरज हो रहा है गरूब। आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप, सूरज गरूब हो रहा है और आज मौसम काफ़ी ठंडा था, बादल बने हुए हैं, देख सकते हैं आप, बारिश वाला मौसम है। तो सुफियान आ गया था वापस, लेकिन वो फिर वापस चला गया, सुबह तक वो आ जाएगा, तो सुबह इंशाल्लाह व्लॉग में वो नज़र आएगा आपको। आपको मैं एक बात बताता चलूं कि सुबह होती है, सुबह के बाद होती है शाम, और शाम के बाद होती है रात। तो अब हो चुकी है रात, ठीक है। तो अब हमें करना चाहिए व्लॉग को एंड, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले व्लॉग के अंदर आए सुफियान भी होंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक हमारी नई नई जो वीडियोज़ है ना वो पहुँचती रहें। अल्लाह।